हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी सब्जी। तो उसके लिए सामान आप नोट कीजिए। कद्दू धुला हुआ, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना, अमचूर खटाई, गुड़, हरी मिर्ची कटी हुई और धनिया और तेल। अब हम इसको काटेंगे। हमने कद्दू पहले से धो रखा था इसको। दोस्तों, हमने कद्दू काट लिया है, अब इसमें हम छौंक लगाएंगे। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे। जब तक हमारी ये तेल गर्म होगा, जब तक हम मसाला मिला लेते हैं अपना। हमारा मसाला मिल चुका है और हमारी तेल भी गर्म हो चुका है। और इसमें हम मेथी दाना डालेंगे। जब तक मेथी दाना कड़कड़ा नहीं जाए, अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। अब हमारी हरी मिर्ची भुन चुकी है, अब इसमें मसाला डालेंगे। अपने मसाले को होने देंगे थोड़ी देर तक। हमारा मसाला भुन चुका है, तो इसमें हम अपना कद्दू डालेंगे। अब इसमें हम अपना नमक डालेंगे। अब हम अपने कद्दू को थोड़ी देर तक होने देंगे। फिर उसके बाद, थोड़ी देर तक होने के बाद, हम इसमें गुड़ डालेंगे। चलिए देखते हैं हमारी सब्जी बनी है कि नहीं बनी है। हमारी आधी लगभग सब्जी बन चुकी है, अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। खट्टा मीठा बनाने के लिए गुड़ डालना जरूरी है। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, 10-15 मिनट इसको होने देंगे। आइए देखते हैं हमारा कद्दू बना है कि नहीं। अब ये कद्दू बन चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। आ
अब इसमें हम गार्निश के लिए धनिया डालेंगे। अगर ये आपको कद्दू की सब्जी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।